गले में खराश होती थी, खांसी खांसी आती थी और एक साइड मांस बड़ा हुआ था। अब वो मांस थोड़ा सा रह गया, खराश नहीं होती, खांसी नहीं आती। और मैं पहले दिन आई, यहाँ बैठी, मेरे से उठा नहीं गया, दौरतों ने पकड़ के उठाया था मेरे को। अब मैं बैठ भी गई और टेक के हाथ उठ भी जाऊंगी। अच्छा जी, हाँ जी, क्या बात। और पथरी, कितनी उम्र है आपके यहाँ? मेरी 64 साल। और मेरी पथरी 25 mm की थी और अभी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो वो 3 mm कम आई है, 22 mm की है। अच्छा जी, हाँ जी, पथरी भी घटनी शुरू हो गई। हाँ जी, तो कटी जाएगी आपकी? कटी जाएगी। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लामा की राम राम, नमस्ते, जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हम शनि शक्ति धाम सीसवाड़ में और आज शनिवार का दिन है और यहाँ पर फिलहाल सामने देख रहे हैं महंत जगदीप जी लोगों को आशीर्वाद दे रहे। मोर छड़ी से झाड़ा लगाया जा रहा है और यहाँ पर हर शनिवार और को लगता है विशेष झाड़े हर बीमारी के और लोग ठीक हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लोगों से पूछेंगे, लोग बताते हैं और लोगों की बातें हम आप तक पहुंचाते हैं और यही बातें पूछने के लिए आज फिर आए हैं हम यहाँ पर। काफ़ी बहनें बैठी हैं, भाई भी बैठे हैं, सभी से पूछ के आपको बताऊंगा मैं और लोग खुद बताएंगे आपको कि यहाँ पर क्या रिजल्ट हैं, इन झाड़ों से कोई ठीक होता है या नहीं होता है। आइए बातें करें। राम राम भाई। हाँ राम राम भाई। कहाँ से हो? मैं इशार से हूँ भाई। इशार से हो? हाँ, आपके? मेरा गोड्डा में भी तकलीफ थी, सांस की भी तकलीफ थी। अच्छा। अभी मैं 2 गेड़ आई हूँ, झाड़ा एक बार लग गया बट मेरा बिल्कुल अधो आध का फर्क हो गया। अच्छा। हाँ, आराम हो गया मेरा बिल्कुल, बहुत ही। मैं इतनी दूर पगा चाल गए और बिल्कुल आई हूँ, मेरा गोड्डा सूज रहा था। महाराज ये कि नंबर का आदमी है, सब का आराम आवे। अच्छा। हाँ बिल्कुल भी, गोड़ा गोड़ा मतलब आराम। हाँ हाँ, गोड़ा मराम हो गया, सांस में भी बहुत तकलीफ थी। अच्छा। गोली ओका लेके चाले करती बिल्कुल भी, ओका जरूर ले यूं बट मेरा बिल्कुल आराम है आज एक। अच्छा। हफ्ता हो गया। हाँ पूर्णवासी बाद में, मैं तो शुरू में पूर्णवासी गलड़ा शनिवार ना आई। अच्छा। जब तो मैंने झाड़ा ही नहीं लगवाया, वापिस चली गई। अच्छा। अरे एक झाड़ा लग गया मेरा। अच्छा। हाँ उस बीमारी मेरा दो आध फर्क हो गया। अच्छा। हाँ के नाम बताई तेरा? मेरा सावित्री नाम है। सावित्री इशार से? हाँ इशार से। हाँ चलो, अदू एक झाड़ा में आधा फर्क हो गया थी, कल तो पूरा हो जाएगा। हाँ नहीं मजाक की बात नहीं है भाई, बढ़ती हूँ माता रानी बैठी है, मैं झूठ नहीं कह रही, बिल्कुल आराम है। सही। हाँ 100% मैं झूठ नहीं कह रही। चलो बहुत अच्छा। हाँ और आप जी? मैं तो काफी बार आती हूँ। अच्छा इधर आइए थोड़े बताइए, दोनों आ जाए। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार जी, कहाँ से? मैं सीसवाल से हूँ जी। सीसवाल से, क्या नाम है? मेरा नाम दीपिका है जी। तो यहाँ शनि शक्ति धाम में कब से आ रहे हैं आप? काफी दिन हो गए, मेरी शादी को 2 साल हो गए, मैं तो उसके बाद आती हूँ। अच्छा। अरे काफ़ी आराम भी मिलता है यहाँ पे आने से, ये नहीं है कि कोई शक्ति वगैरह है, नहीं है, सब कुछ है यहाँ पे। अगर सच्चे मन से कोई अर्जी लगाए तो उसकी पूरी भी होती है। आपने अर्जी लगा रखी है? मैंने लगा रखी है अपनी अर्जी, अभी आधा आधा तो फर्क पड़ रहा है। अच्छा। पूरा हो जाएगा तब पूरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अच्छा अच्छा। हाँ बहुत अच्छा। काफ़ी बार यहाँ बहुत लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं, मैं तो चलो सीसवाल से ही हूँ, काफ़ी दूर बहुत बहुत से आते हैं। आप मानते हैं आप मनोकामनाएं पूर्ण होती पूर्ण होती है? तो मनोकामना तो आप बताओ कि नहीं पूरी हुए बिना है? नहीं, मेरी वो मेरी बहन की लड़की एक, वो पहले कनक नहीं खाती थी, उसके अनाज वगैरह बंद थे, अभी वो खाने लगी फिर से, यहाँ पे हमने अर्जी लगाई है। अच्छा। उसकी वजह से एलर्जी खत्म हो गई उसकी? हाँ अभी खा रही है वो। चिल्ली होनी चाहिए शरीर की। अब बिल्कुल सही बात कहता है। राम आओ जी, आओ आज राम राम। आप बहनी है दोनों सीसवाल से? यहाँ। अच्छा सीसवाल से ही हो? हाँ। आप, तो लड़की है, आपकी लड़की है क्या वो जिनको एलर्जी थी? हाँ हाँ। अच्छा कितने दिन से थी? मेरे तो 10 साल होगी भैया अंत ने। 10 साल होगी? 11 साल। अच्छा अभी लड़की बिल्कुल ठीक है आपकी? हाँ भी। आपको भी और भी कोई मनोकामना पूर्ण हुई आपकी? भाई हाँ, गर्गा बारा में भी सब चीज हुआ। अच्छा चलो बहुत अच्छा। शनि बाबू कट्टा है कौन गए? शनि महाराज की शक्ति है। शक्ति है, बिल्कुल शक्ति है। अच्छा आइए जी और बातें करवाता हूँ। मैं तो आप करूंगी पूरे दिन रात भी रहूंगी थोड़ा सा। अब भाई और है किसी का आराम आया हो? सारे गए हैं। ले भाई उड़े बैठ के पूछा फिर कुर्सी आ जाए थोड़ा सी साइड डाल। कहाँ से आप? हिसार से। हिसार से ही? हाँ। क्या तकलीफ आपका? मेरा कमर में दर्द था। हाँ थोड़ा थोड़ा है। दवाई ली के डॉक्टर? ना दवाई तो मैं ली में कोनी। तो फिर यहाँ आने से? हाँ मैं ठीक हूँ, बाबा भरोसा कर रखे हूँ। झाड़े तो हुए? हाँ झाड़े। झाड़े लगवाए? मन तो एक भी ना हो गया लगती आन दिन नहीं। चार बार आई? एक भी ना रोज आना आओ? ना रोज तो कोनी आए, शनिवार आऊँ पूर्णमासी ना आऊँ। अच्छा शनिवार ना पूर्णमासी ना आऊँ। हाँ
तो ये आपके साथ है क्या? हाँ। अच्छा केला को होइन क्या गुड़गाम में तमन्ना थी उसने इंटरव्यू हो गया उसका पास। हाँ उसका मन में थी नारियल बांध कर गई थी बाबा ने एक बार मैं सुन ली उसकी। अच्छा बहुत अच्छी बात। तो आपकी तो हर मनोकामना पूर्ण हो रही है यहाँ पर। आप कहाँ से हैं जी? मंडी आदमपुर। मंडी आदमपुर हूँ। आपके क्या तकलीफ है? बस ठीक है। किमे को नहीं है भैया आओ। हाँ झाड़ा लगवाना है। झाड़ा लगवाना किस चीज़ का है? यही थोड़ी तकलीफ रहा है। थोड़ी तकलीफ है। हाँ तो के सोचे घड़ी हो जा ना। तो ठीक हो जा। ठीक हो जा क्या सोचे मन में? हाँ पहली बार लगवाना है आगे ना तो? तीसरी बार। तीसरी बार किम फर्क पड़े आगे? हाँ पक्का? हाँ घर क्या ने पूछ क्या है आगे फर्क है? हाँ अच्छा चलो बहुत अच्छी बात। नाम क्या आपका? रजत है। रजत 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 वेरी गुड। चांदी नाम भी चांदी राम है। रजत चांदी ने कंधे होंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। और किसी का आराम होया हो भाई यार? नहीं होया हो सैको ऐसा भाण भाई। आप करता है हो जी? राजस्थान। राजस्थान से पहली बार आए हो? दूसरी बार। दूसरी बार तो के बात बता दे क्यों को नहीं आराम? नहीं तो वह बात बता दो बाबन कह देंगे ना आराम से जड़ लगाए बाद। के तकलीफ है आपके? दर्द छे में। क्या मैं मेरे गठिया बाय बताई? गठिया बाय राजस्थानी है गठिया बहुत खाओ है ना जी तो जंदा हो। अच्छा फर्क पड़े आगे कि मैं उड़ान दे आराम से? सच्ची बताइयो? हां सही बता रही हूं। कितना फर्क पड़ गया? आधो का आराम। आधा पक्की बात है? बता दू लोगों ना फर्क पड़ा है? हाँ पड़ा है। एक झाड़े में आधा फर्क दूसरे में तो पूरा हो जाएगा। महंत जगदीप जी बैठे हैं और ये भाई कह रहे हैं कि यहाँ तो आशीर्वाद यहाँ पर आने से ही होता है लेकिन लोगों का वह मैं इसलिए भाई मैं झाड़ा भी लगा दूँ वैसे यहाँ आने से ही संकट कटते हैं ऐसा गुरु जी कहते हैं हमेशा। और कहते हैं भाई इनू के लाड़ा लगा दे वो मोर पंख है मोर छड़ी कृष्ण भगवान के नाम की बोला फेर दें। तो यह बात है यहाँ तो सिर्फ आने भर से ही संकट कट जाते हैं ऐसा लोगों की मान्यता है। यहाँ तो सिर्फ आने से अर्जी लगाने से ही सभी संकट कटते हैं। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है? संतोष। संतोष कहाँ से हैं? लवारो का ना कुशलपुरा। अच्छा घनी दूर तो आ रहे हो? हाँ जी। क्या तकलीफ है? मेरा जी ऑपरेशन करा था सिर में बड़त लग गए। बड़त लग गए सोम जी। अच्छा हाँ पूरे कै बार आ लिए? दोबारा आई हूँ जी। क्यों फर्क पड़ा? हाँ जी कुछ तो फर्क लग गया। सर हाँ ज्यादा तो कौन पर फर्क है कि मैं एक दो पीसा हाँ। दस पंद्रह पीसे थोड़ा बहुत फर्क लग गया। लग गए हाँ। चलो आज फिर लगवाओ झाड़ा फिर पूछा। ये और बैठे भाई मार दो थोड़े से। हाँ राम राम भाई। राम राम से आप वो कहाँ गई? खबड़ा कला से। खबड़ा कला से। हाँ जी। क्या तकलीफ है? मेरे तो निकालो जी निकालो ठीक है बिल्कुल। निकाला था? था। कितने दिन से निकाला? ये करीबन पंद्रह बीस दिन से था। अच्छा मोती जा रहा बोल रहे जिसने देरा गोंजी निकाला निकाला अच्छा। टाइफाइड बोल रहे हैं। फिर ये उरा झाड़त हो गया ठीक? झाड़त हो गया। एक ही झाड़त है? दो झाड़त है। दो झाड़े बिल्कुल ठीक हो गया ब्रेडी। रिपोर्ट करवाई है डॉक्टर के? हां रिपोर्ट करवाई। रिपोर्ट में कोनी आई? कुछ कोनी आया। अच्छा नाम क्या आपका? विजेंद्र। विजेंद्र हां जी। अच्छा अच्छा और भाई कोई आप गुड़िया कहां से हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आप जी? पहली बार आए हो? दूसरी बार आए तो बता दो कि मैं आराम हो यार नहीं हुआ तो बता दो दिखा लोगों ने मेरा पड़ जा सच। कहाँ से हो आप? दड़ोली से हैं। दड़ोली अच्छा 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 तो क्या तकलीफ थी आपके? ना मेरे तो कोई तकलीफ नहीं मैं बूढ़ी की तकलीफ हुई क्या तकलीफ बताइए? मेरे पैर में सुनो है। सुनो है ये क्या कितनी बार आ गए? मेरे तीसरा चक्कर है। तीसरा झाड़ा है तो कि मैं आराम होया है कि नहीं घर क्या भाड़ा लुआ है? पैर में आराम है मेरे यहाँ पैर चलते चलते जगह रुक जाते तो एक पैर में आराम ना तो वो पस जाते हैं ना तो सिद्ध हो तो आड़े सो माँ गुड्डे गए और ना वो भेड़ो तो कदी कदे सारी रात टप जाती अड़ान लगे बाद में रात हो थोड़ो से एक बारी पसी हो फिर हाथों हाथ ही ठीक हो गयो। अच्छा भैया अटक जानते माँ ही बस यूँ ज्यादा को नहीं होती अच्छा नींद आ जाए बढ़िया। हाँ नींद बढ़िया आ जाए
चलो बहुत अच्छी बात। चलो जी, कहाँ से? फतेहबाजू। फतेहबाजू यहाँ सनी धाम में कितनी बार आ गई? साल हो गया अंतन मन। हाँ, की तकलीफ? छोरा खातर भी छोरा ताकत तुग बनवाना है ना, छोटो है छोरो। हाँ, की तकलीफ छोरो को? तकलीफ नहीं, बस सिर सारे ने दुखे जानते हुए ताकत बनवाए भी हैं, जद बाद में ठीक है। ठीक है पूरा आनंद? हाँ अच्छा, ठीक है बिल्कुल, कोई तकलीफ नहीं रहती ना? कौन रहे, ठीक है। पहले क्या हुआ करता? पहले नहीं, बस न्यू वो रे करता दिमाग खराब, न्यू लड़ाई लड़ूया में से रहन तो भी लड़ाई दंगा में तो उरु तक गबड़ वाले ठीक हो जे। इब ठीक है? हाँ ठीक है। चलो बहुत अच्छा। तो भाई हमारे पास शनि शक्ति धाम सीसवाल में मैडम खड़ी हैं, दिल्ली से आई हैं, इनसे पूछते हैं कैसे आई हैं ये। और बहुत ही अच्छी सनातनी हैं, काफी बार बातें हो चुकी हैं इनसे, अभी फिर बातें करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नाम क्या है आपका, मेरे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम विमल मोर है। अच्छा। मैं फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मैं पूजा पाठ में भी विश्वास बहुत रखती हूँ। जो भी धाम मुझे अच्छा लगता है मैं वहीं जाती हूँ। अच्छा। सनातन धर्म है हमारा और हम सब हर चीज को मानते पूजा करते हैं। जी जी, और जाना चाहिए और जाना भी चाहिए सबको। हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का फर्ज है कि अपने मंदिर में जाएं। बिल्कुल, और भगवान हर जगह है और यहाँ बड़ी शांति मिलती है आने से। मैं सेकंड बार आई हूँ, पहली बार आई तो मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। जी जी। लेकिन आज मुझे रिलीफ है सेकंड बार में। और मैं तो यही अरदास करूँगी, शनि महाराज अपने चरणों से लगाए रखें और हमें बार बार बुलाएं। अच्छा। तो यहाँ पर मान लो ये कहते हैं लोग कि संकट आने, जो भी संकट होता है, दर्द होता है, ये जो भी बीमारियाँ होती हैं यहाँ पर कट जाती हैं लगभग, आपने कुछ महसूस किया? मुझे लग रहा है जैसे दूसरी बार आई तो थोड़ा आराम है, पैरों में ज़्यादा दिक्कत थी मुझे। अच्छा। और मैं सोचती हूँ कि भाई आने वाले सभी बहन भाइयों के सबको आराम मिले, सब खुशियाँ लेके जाएं यहाँ से, सबकी झोली परेशानी महाराज। एक ये बताइए आध्यात्मिक दृष्टि से बताइए, यहाँ पर आने के बाद कैसा महसूस होता है दिल में? बहुत शांति है यहाँ आने के बाद, जाने का मन नहीं करता यहाँ, जैसे बैठे ही रहे भगवान के चरणों में। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बहुत शांति है, यही तो सच्चे धाम की पहचान होती है। बिल्कुल, बहुत शांति है। और जो इस वीडियो को बहन भाई देख रहे, कोई परेशानी है तो एक बार जरूर आके देखे, मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद जी मोर मैडम, नमस्कार। कि ये देखिए यहाँ पर जो मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं वो नारियल अपना खोल के, और यहाँ पर जो धूणा है भोलेनाथ का हवन यज्ञ होता है रोज़, यहाँ पर आहुति के रूप में डाल दिया जाता है उस नारियल को, और इसी के साथ संकट भी कट जाते हैं। इनके जो भी समस्याएं थी वो आइए पूछते हैं इनसे। तो आइए हम पूछते हैं इनसे, अभी नारियल की आहुति दी इन्होंने, जो मनोकामना मांगी जाती है तब नारियल बांधा जाता है ऊपर, और मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो नारियल खोल के और यहाँ आहुति दी जाती है हवन यज्ञ में। तो पूछते हैं, नमस्कार भाई। नमस्कार। कहाँ से हैं? मैं हिसार से हूँ। हिसार से। क्या नाम है आपका? कुलदीप कुमार। कुलदीप कुमार। तो ये पत्नी है आपकी? हाँ जी। अच्छा, इधर से आ जाइए थोड़ा नज़दीक से। हाँ जी, क्या मनोकामना थी आपकी? मनोकामना मैं अंदर गया था, चढ़ गया अंदर। किस? पॉस्को थी। पॉस्को लगी थी? अच्छा। झूठी थी? झूठी थी। तो वो तो न्याय के देवता हैं शनि देव, तो झूठ और सच का न्याय तो ये करते ही हैं। तो वो क्या हुआ, फ्री हो गया? बरी हो गया? बरी हो चुका। बिल्कुल हट गया ना पॉस्को, और मतलब केस ही फारिग हो गया? केस फारिग हो गया 14 तारीख को। अच्छा जी, कब लगाई थी अर्जी इन्होंने? लगाई थी क्या? हाँ जी। अरदास कब लगाई थी आपने? मैंने ये 2 महीने पहले लगाई। 2 महीने पहले लगाई थी। कितने दिन में शनिदेव भगवान ने सुन ली थी आप? तीसरी फेरी में मेरे शनिदेव ने सुन ली थी। अच्छा, तीसरी फेरी में ही? हाँ जी। यानी पूर्णवासी आन भी नहीं थी उससे पहले सुन ली आपकी? पूर्णवासी वाले दिन हमारा राजीनामा हो गया था, 14 तारीख को जज ने बरी कर दिया था। अच्छा, वाह जी वाह। तो आप पढ़े लिखे हैं? हाँ जी। आप मानते हैं कि ऐसे हमारे शनिदेव में इतनी ताकत है, शक्ति है ऐसे देवताओं में हमारे सनातन धर्म में? हाँ जी। तो अब आप ये यानी 2 महीने के अंदर पूरा, 1 महीने में हो गया आपका, 4 बार में ही? हाँ, चार बार आने से। हाँ, 1 महीना पार हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए ये शनिदेव महाराज की, न्याय के देवता की यहाँ शक्ति है। ऐसा एक्ट लगाया हुआ था पॉस्को एक्ट जिसकी जमानत भी नहीं होती आदमी की, और शनिदेव महाराज ने न्याय किया तुरंत, और उस न्याय के तहत आज ये बाहर हैं, बिल्कुल बरी हैं। और सच्ची झूठी जो भी होती है वो भगवान जानता है, कहते हैं ना भगवान जानता है, तो भगवान जानते हैं,
तो वो अपने भक्तों का न्याय भी करते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में शनिदेव महाराज? यही है, अभी शनिदेव महाराज सबकी सुनते, जैसे हमारी सुने सबकी सुने, मनोकामना सबकी पूरी होगी। और भी कोई ये आपकी? हाँ जी, बंजी राम राम। राम राम जी। कहाँ से हो? रोहतक से जी। रोहतक से। हाँ, के नाम है? संतोष राठी। संतोष राठी जी, तो यहाँ शनि शक्ति धाम में कब से आ रही हैं? ये मैं आपकी वीडियो देख के आ रही हूँ, आज पांचवी बार आई हूँ। पांचवी बार आई? हाँ जी। तो क्या मनोकामना थी, कोई संकट था, कोई बीमारी थी, क्या था? हाँ, मैं बीमार थी, मुँह काफी परसेंट काफी ठीक होगी, 30-35% रह रहा अभी मेरा। अच्छा, 70% ठीक होगी। हाँ जी। और बहू थी, बहू पूना में है। अच्छा जी। उसको बच्चा पेट में है और गांठ भी है बच्चा दानी में। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा जितना बच्चा बढ़ेगा उतना ही गांठ बढ़ेगी, यूँ सोच लो मेरे दो बच्चे हैं। अच्छा। फिर मैं यहाँ गुरुजियों के पास आई। हाँ। आपकी वीडियो दे मैंने देखी थी आती, तो उनको बताया उनको बताया मैंने गुरुजियों को, ऐसे ऐसे है। पुनवासी को हवन कर रहे थे गुरुजी उस दिन, बोले इसकी फ़ोटो लाओ। मैं फ़ोटो देखी, खड़ी फ़ोटो उसकी कोई थी नहीं। फिर वो लाइव जुड़ गई, गुरुजियों ने झाड़ा लगाया। और फिर मैं फिर आई दोबारा, मैंने कहा गुरुजी, फिर गुरुजियों ने मुझे भस्मी दी। उस दिन तो भीड़ बहुत होती है, तो मैं बोली गुरुजी वो तो है नहीं, झाड़ा तो लगवा लिया, भस्मी कैसे भेजूँ? करा कोरियर कर दो। मैंने कोरियर कर दी, उसकी वो गांठ वहीं की वहीं रुक गई। और जो हाँ जी आगे नहीं बढ़ रही, बच्चा बढ़ रहा है, गांठ नहीं बढ़ रही। अच्छा, कितने दिन की बात होगी ये? एक महीना हो गया। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि मारे फिर बड़ी बहू का पोती होगी, इस मारे में आई नहीं सुत तक के मारे। अच्छा, अच्छा। पिछले शनिवार मेरी तबीयत खराब थी, पुनवासी की बात है, पुनवासी से शुरू हुआ। अच्छा, तो अब वो उन्होंने अल्ट्रासाउंड करवा के देखा? हाँ जी, अल्ट्रासाउंड करवाया, गांठ में उतनी ही है, साइज नहीं बढ़ा। और जो बच्चादानी का रास्ता छोटा हो गया था वो 2.3 था जब स्टिच लगाए उसको, नीचे से सील दिया बच्चा ना गिरे बेहोश करके, 35 वीक्स होंगे तो खोल देंगे। अच्छा। वो 3 mm बढ़ गया है, 3 सेंटीमीटर नॉर्मल होता है, 2.6 है अभी वो। अच्छा जी। तो 2-3 जाड़े और लगेंगे, पूरा ही हो जाएगा। क्या बात है, बहुत अच्छा। जय शनि। तो जय शनिदेव महाराज। तो ये है शक्तियाँ सनातन धर्म की, शनिदेव न्याय के देवता। देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी ये, समस्या डॉक्टर के भी समझ में आती, तो ऑपरेशन कर सकते क्योंकि बच्चा है पेट में, और बच्चा जहाँ है बच्चादानी में वहीं गांठ भी है, साथ बढ़ती है, और जो मुँह होता है वो बिल्कुल छोटा था। इतनी बड़ी समस्या है कि डॉक्टर के समझ में नहीं आती, तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं हम, और यहाँ न्याय के देवता ने पूरी की। आज वो बच्चा तो बढ़ रहा है लेकिन गांठ वहीं की वहीं है, छोटी की छोटी, ये समस्या। हाँ जी, रास्ता छोटा था वो भी बढ़ रहा है। अच्छा, और मेरे गले में खराश होती थी, खांसी आती थी, और एक साइड मांस बड़ा हुआ था, वो मांस थोड़ा सा रह गया, खराश नहीं होती, खांसी नहीं आती। और मैं पहले दिन आई यहाँ बैठी, मेरे से उठा नहीं गया, दौड़तों ने पकड़ के उठाया था मेरे को। अब मैं बैठ भी गई और न्यू टेक के हाथ उठ भी जाऊंगी। अच्छा जी। हाँ जी। क्या बात है। और पथरी, कितनी उम्र आपके यहाँ? मेरी 64 साल। और मेरी पथरी 25 mm की थी। हाँ। और अभी मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। हाँ। तो वो 3 mm कम आई है, 22 mm की है। अच्छा जी। हाँ जी। पथरी भी घटनी शुरू हो गई? हाँ जी। तो कट ही जाएगी आपकी? कट ही जाएगी जी।